दिस इज नीरज गर्ग एंड यू आर वॉचिंग क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. रेशनलाइज 1 अपॉन रूट 7. 1 अपॉन रूट 7 को हमें रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज का मतलब होता है कि हमें जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना होता है, मतलब डिनोमिनेटर को हमें रेशनल नंबर बनाना है. अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 7. रूट 7 को हमें रेशनल नंबर बनाना है. अगर रूट 7 को हम रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 बाई 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1 बाई 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा हमारा 7. तो इस तरीके से ये डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में यही करना है कि 1 अपॉन रूट 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? रूट 7 इंटू रूट 7 से. देखो, अगर डिनोमिनेटर को हम रूट 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. हम सिर्फ डिनोमिनेटर या सिर्फ न्यूमरेटर को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर हम किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे को भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है. क्लियर? देन 1 इंटू रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 7, राइट? और रूट 7 इंटू रूट 7, ये क्या आ गया हमारा? 7. इस तरीके से ये हमारा आ गया आंसर. ठीक है, बिकॉज अब हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, अब इरेशनल नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर है. डिनोमिनेटर हमारा रेशनल बन चुका और यही हमारा क्वेश्चन था. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऑल द बेस्ट.